नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। हरियाणा के यमुनानगर में धर्म परिवर्तन के हो रहे लगातार मामलों को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने मिलकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। इस दौरान कड़कती ठंड में यह लोग यमुनानगर जिले के अलग अलग इलाकों में जाकर उन्हें धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ चार साहिबजादे के नाम और उनके शहीद होने के विषय में भी जानकारी दे रहे हैं। चलते चलते यह लोग प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहते हैं, जिनमें चार साहिबजादे के नाम बताने के लिए कहा जाता है और सही जवाब देने वालों को कंबल वितरित किया जाता है। उदयवीर शास्त्री का कहना है कि लोग प्रलोभन में आकर और विभिन्न कारणों से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उनको जागरूक करने के लिए ऐसी भयंकर सर्दी में कोई बिना कपड़ों के और बिना खाने के ना रहे, उसके लिए खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं इस्कॉन के आनंद निधि दास का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से फूड फॉर लाइफ के तहत बच्चों को व जरूरतमंदों परिवारों को खाना सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अलग अलग जो खाना बांटा जाता है वह प्रसाद के रूप में होता है, जिसे खाकर व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है और आत्मा और शरीर की भी पुष्टि होती है। ये साहिबजादों के बलिदानी के उपलक्ष्य में ऐसी बस्तियों में सर्दी, बहुत सर्दी की रातें हैं, तो एस्कॉन के माध्यम से धर्म जागरण समन्वय मिलकर के और सभी नगर के हिंदू संगठन मिलकर के ऐसी बस्तियों में जहां संभावनाएं हैं कि धर्म परिवर्तन वगैरह के लिए दबाव बनाया जाता है या उनको बेचारे सीधे बोले सर लोगों को वहां पर कंबल वितरण करने का और उनकी स्थिति को जांचने के लिए कि उनके क्या हालत हैं, ताकि उनकी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो उनको मिल सकें और भी किसी प्रकार की सरकार की योजनाओं का लाभ उनको सब मिलकर के दिला सकें। एक सर्वे भी हो जाएगा और सर्दी की कंबल वितरण भी हो जाएगा और जो अपना धर्म संस्कृति संस्कार जिसके लिए बलिदान हुए चार साहिबजादे उनका उनकी शहीदी जिस धर्म के लिए उनके उसका रक्षण भी हो जाएगा। मैं आनंद निधि रास इस्कॉन यमुनानगर से, हमारा आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है कांसापुर विलेज में। तो फूड फॉर लाइफ के माध्यम से हम जगह जगह जाते हैं जहाँ पे नीडी लोग होते हैं। लगभग 2 साल से हम प्रतिदिन वहाँ पर प्रसाद बांटते हैं। हमारे संदीप जी और भूषण जी हमारा बहुत सहयोग करते हैं और इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हर जगह लोगों को खाने को मिले। और ये सरल खाना नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है। इसको खा करके व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास भी होता है और पुष्टि भी मिलती है, आत्मा की पुष्टि मिलती है, शरीर को भी पुष्टि मिलती है। तो हम सभी से जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उससे अनुरोध करना चाहेंगे सहयोग करें और इस्कॉन मंदिर से जुड़ करके आप जगह जगह भगवान के प्रसाद को सर की सहायता को प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।